हाय दोस्तों, हरे गंगे नमामि गंगे, आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। अभी आप लाइव दृश्य देख रहे हैं हरिद्वार का। कहीं पे घाट जलमग्न है तो कहीं पे जल की गति काफी तेज है तो कहीं पे जल ही जल है। काफी अलग अलग तरह के दृश्य देखने को मिल रहे हैं अभी हरिद्वार में और ऋषिकेश में। इस वीडियो में आपको चारधाम यात्रा, हरिद्वार यात्रा, ऋषिकेश यात्रा, नीलकंठ यात्रा संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। खासतौर पर नीलकंठ के लिए काफी सारे कमेंट आ रहे थे तो हम आपको सबसे पहले नीलकंठ का ही जानकारी देते हैं। ये आप देख रहे हैं जल की धारा कितनी ज़्यादा है और श्रद्धालु संख्या भी आज रविवार है तो काफ़ी ज़्यादा है और आज जोत महोत्सव भी है तो उसकी वजह से आज श्रद्धालु की संख्या में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि देखने को मिल रही है। और आप अगर हरिद्वार आ रहे हैं तो वीडियो को जरूर देखें और देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी और आप अपने फैमिली के साथ एक सावधानीपूर्वक यात्रा कर पाएंगे। नीलकंठ की यात्रा में जो पैदल मार्ग है वो खुला हुआ है और जो बाइक या फिर हम कार या फिर टैक्सी से जाते थे वो मार्ग अभी बंद है तो ये मार्ग का उपयोग ना करें। अगर पैदल हैं आप तो आप पैदल जा सकते हैं, किसी पर कोई दिक्कत नहीं है। और ये मार्ग भी कुछ दिनों में खुल जाएगा लेकिन कब तक खुलेगा इसकी कोई संभावना नहीं बताया जा सकता। बाकी आपको हमारी वीडियो के माध्यम से आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। आप देख रहे हैं ये एक अंखल का वीडियो है जो आप देख रहे हैं जहाँ भगवान शिव के ससुराल कहा जाता है और यहाँ पे कुछ घाट अभी जलमग्न है और यहाँ पे स्नान करते वक्त आपको सावधानीपूर्वक स्नान करना पड़ेगा। हमारे चैनल में आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाता है। और आप अगर कंखल नहीं आए हैं सावन के महीने में भगवान शिव के ससुराल तो आप हरिद्वार नहीं घूमे। चलते हैं आपको थोड़ा से भगवान शिव के ससुराल कंखल के दर्शन कराते हैं। यहाँ पे सावन के महीने में काफ़ी ज़्यादा रस होता है और श्रद्धालुओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है। लगातार श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं यहाँ पे। कहा जाता है भगवान शिव खास तौर पे सावन के माह में यहाँ पे विराजमान होते हैं और अपने भक्तों के पूरे मनोकामना पूर्ण करते हैं। यहाँ पे दो शेर है और ये इसके पीछे भी एक काफ़ी कहानी है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर हम सारा इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देते रहें तो। ये आप देख रहे हैं ऐसे हमने पूरी डिटेल में वीडियो बना रखा है, आप जाके जरूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। यहाँ पे गंगा जी की धारा है और यहाँ पे भगवान शिव की दर्शन भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे भीड़ आपको बता दिया मैं और किसी बार कोई दिक्कत नहीं है हरिद्वार यात्रा में और न ही ऋषिकेश यात्रा में। आप दोनों ही जगहों की यात्रा अपनी फैमिली के साथ सावधानीपूर्वक कर सकते हैं, किसी बार कोई दिक्कत नहीं है दोनों जगह की यात्रा में। और साथ में लोगों का ये भी कहना था कि बाढ़ का दृश्य काफ़ी ज़्यादा हो रहा है तो बाढ़ का दृश्य अब नहीं के बराबर है। अगर अचानक कहीं पे बादल फट जाता है तो बात नहीं कह सकते लेकिन अभी का जो लेटेस्ट यहाँ का जो दृश्य है वो बिल्कुल नॉर्मल है। और अभी हम हर की पेड़ी के दृश्य दिखाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये कंखल का दृश्य देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे वट का वृक्ष, काफ़ी पुराना वट का वृक्ष है। यहाँ पे शनि जी की मूर्ति भी है और ये आप गंगा जी की तेज धारा की दृश्य देख रहे हैं। अभी हम आ चुके हैं हरिद्वार हर की पैड़ी में और हर की पैड़ी का दृश्य आप देख रहे हैं। मौसम की बात कहें तो काफ़ी तेज़ उमस है, काफ़ी तेज़ गर्मी लग रहा है, तेज़ धूप है और यहाँ के मौसम का कोई भरोसा नहीं होता। कभी काफ़ी तेज़ बारिश होने लगता है तो कभी बारिश और धूप का एक साथ ही दर्शन देते हैं, इस तरह का दृश्य देखने को इसमें मिल रहा है। बाकी आप किसी पारे कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से यात्रा कर सकते हैं। कांवड़ यात्री अभी भी आपको दिखाई देंगे, लगातार देख रहे हैं आप कांवड़ यहाँ पे लेके जा रहे हैं। चारधाम यात्रा के लिए अभी आप रुक जाएं कुछ दिन क्योंकि ऊपर पहाड़ों में काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है और साथ में
वहाँ पे लैंडस्लाइड देखने को मिल रहे हैं और लैंडस्लाइड की वजह से जगह जगह रास्ते ब्लॉक हो जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। और ख़ासतौर पर जो ट्रैक है केदारनाथ की मार्ग का, जो आपने दृश्य देखा होगा कहीं ना कहीं, वो भी अभी काफ़ी ज़्यादा डरा देने वाले दृश्य है, क्योंकि बारिश ज़्यादा होता है तो मार्ग में ही जल भी गिरने लगता है। झरना आपने देखा होगा कई बार वीडियो में, इस तरह का दृश्य देखने को मिल रहा है। आप अभी 6 दिन का हाई अलर्ट में है उत्तराखंड, क्योंकि बारिश काफ़ी ज़्यादा होने की संभावना बताया जा रहा है। ये भी एक हिसाब से 6 दिन तक का तो आप प्लानिंग ना करें, और करते हैं तो आप थोड़ा से मौसम की अच्छी तरह से खबर लेके करें, ताकि आपको किसी प्रकार की मार्ग में बाधा ना हो। हरिद्वार में मौसम का आप देख रहे हैं, किसी बारे कोई दिक्कत नहीं है अभी का प्रेजेंट टाइम का हम आपको बताएं, तो आगे जो भी होगा हम आपको वीडियो के माध्यम से आपको संपूर्ण जानकारी देते रहेंगे। और आप अगर हमारे चैनल में नए सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आपको पूरी जानकारी मिलता रहे। और साथ में आप हरिद्वार में बाढ़ का जो सिचुएशन है, खासतौर पर हर की पैड़ी में बिल्कुल भी नहीं होने वाला बाढ़ का दृश्य, क्योंकि यहाँ पे पूरी तरह से जल को बहराज से कंट्रोल कर देते हैं, जिसकी वजह से हरिद्वार में किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है। जो देख रहे हैं मौसम कितनी अच्छी हो रखी है, तो सुबह सुबह हरिद्वार हर की पैड़ी का दृश्य काफ़ी सुहाना होता है, ठंडी ठंडी हवाएं चलती है, मौसम काफ़ी लाजवाब होता है। ये है कुशाघाट, यहाँ पे मुंडन की विधि और अस्थि विसर्जन की विधि किया जाता है, तो आप अपनी फैमिली के साथ पूरी तरह से प्लानिंग कर सकते हैं। ऋषिकेश में या हरिद्वार में कुछ घाट जलमग्न है, वहाँ पे स्नान न करें, क्योंकि जलमग्न घाटों में जल कभी भी बढ़ सकता है या फिर कम हो सकता है, तो अगर बैलेंस भी बिगड़ जाए तो आपको कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। हर गंगे नमामि गंगे।